Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू। हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? फल। वेरी गुड। कौन सा फल है ये? संतरा। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है संतरा, यानी हम संतरे के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 काशे होती है। काशे मतलब फाँक, इसे आप फाँक कहते हैं। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी यानी बाज़ार नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। यानी देखो बच्चों, सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नागपुर में है। किसकी मंडी? संतरे की मंडी। और नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। और यहाँ से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है, यानी फ़ायदेमंद है। संतरे कलमे लगाकर उगाते हैं। बच्चों, कलमे किसे कहते हैं? नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर ज़मीन में लगाते हैं, तो उसे कलमे कहा जाता है। कलमे 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती है। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। अब बेटा देखो, जब ये पौधे लगा दिए तो इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाई लगाई जाती है, जड़ों में खाद डाली जाती है और हर दरख्त के आसपास यानी इर्द गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियां झुक जाती है, कभी कभी वो टूट भी जाती हैं। इसलिए बागबान यानी जो बाग की रखवाली करता है वो डालियों को बांस का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख 25-30 साल तक फल देता है। देखो बच्चों, 5-6 साल में दरख खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत सारे संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियां झुक जाती है, तो कभी कभी वो टूट भी जाती है। तो जो बाग का रखवाला होता है यानी बागबान होता है तो डालियों को बांस का सहारा देता है। संतरे की फसल साल में 2 बार यानी फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है और हर दरख 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। यानी इसको जितनी मिकदार में पानी चाहिए हम उसे उतनी मिकदार में पानी नहीं देंगे तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। आबपाशी यानी खेत या बाग में पानी पहुँचाना। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं, इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।